तो ये है चिराग कोटवाल। चिराग कोटवाल प्रोफेशनल से एक सॉन्ग राइटर और सिंगर। इन्होंने सोनी टीवी रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 13 में पार्टिसिपेट लिया है और टॉप 15 कंटेस्टेंट के अंदर सिलेक्ट भी हो गए हैं। इन्होंने इससे पहले इंडियन आइडल जूनियर में भी पार्टिसिपेट लिया था 2013 साल में। उसके बाद इन्होंने इंडियन आइडल सीजन 12 में भी पार्टिसिपेट लिया था 2020 साल में। 2012 में उनको गोल्डन टिकट से भी सिलेक्ट कर लिया गया थे। उसके बाद उनको आगे जाके निकल दिया गया था। उसके बावजूद उन्होंने 2022 में दोबारा से प्रयास किया और पहले से बेहतर परफॉर्मेंस दिया है इस बार और इनको गोल्डन माइक से टॉप 15 कंटेस्टेंट के अंदर भी सिलेक्ट कर लिया है। दोस्तों आपको बता दूं, चिराग कोटवाल इससे पहले 6 साल की उम्र से पार्टिसिपेट लेना और कंपटीशन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। इन्होंने 6 साल की उम्र से ही सिंगिंग में इंटरेस्ट लिया, स्कूलिंग के फंक्शन में हमेशा ही से पार्टिसिपेट लेते आ रहे हैं और लोकल जम्मू कश्मीर में कई भी जगह में स्टेज शो भी करते थे। उसके बाद 2013 साल में चंडीगढ़ में इंडियन आइडल जूनियर के ऑडिशन हो रहा था, जहाँ पर विशाल डडलानी और श्रेया घोषाल ने इस बार जजेस के रूप में देखा गया थे। इस टाइम उनको स्पॉन्सरशिप भी दिया गया थे इंडियन आइडल जूनियर की तरफ से और उनको पंडित हरिकृष्ण शर्मा से म्यूजिक सीखने का ऑफर भी मिल गए थे। और उसके बाद उन्होंने 2020 साल में दोबारा से दिखाई दिया था इंडियन आइडल सीजन 12 में और अभी 2022 में इंडियन आइडल सीजन 13 में सिलेक्ट हो गए। इनका फुल नेम है चिराग कोटवाल, प्रोफेशनल से सॉन्ग राइटर और सिंगर। जन्म डेट की बात करें तो 2001 साल में भदरवा जम्मू कश्मीर इंडिया में जन्म हुआ था, होम टाउन भदरवा जम्मू। फैमिली की बात करें तो उनके फोटोज भी आप देख सकते हैं। रिलीजन की बात करें तो हिंदू परिवार से बिलोंग करते हैं। अभी करंट रेसिडेंस मुंबई है। इन्होंने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई जम्मू कश्मीर के लोकल स्कूल से अपनी स्कूलिंग की शिक्षा प्राप्त किए है और कॉलेज की पढ़ाई के लिए भीर माता जीजाबाई टेक्निकल इंस्टीट्यूट से उन्होंने पार्सिंग इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर रहे हैं। हाइट है 5 फीट 8 इंच का है, वेट है 70 किलोग्राम। उनके बॉडी मेजरमेंट की बात करें तो चेस्ट है 40 इंच का है, कमर 32 इंच का है। हॉबीज है म्यूजिक सुनना और सॉन्ग राइट करना। इन्होंने इंडियन आइडल सीजन 13 में मोहम्मद रफी का दिया हुआ सॉन्ग सुबन का चांद सॉन्ग गा के जजेस को इम्प्रेस करके इन्होंने सिलेक्ट हो गए हैं। तो इस बार सोनी टीवी रियलिटी शो का आप किसको विनर के रूप में देखना चाहते हैं आप जरूर से कमेंट करके बताइएगा। और चिराग कोटवाल की पर मान की सैलरी करीब 80 से 1 लाख रुपया मिलने वाला है इंडियन आइडल के मंच से। सो चलिए दोस्तों, आई होप आपको जानकारी अच्छा लगा होंगे। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर करके जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने।